आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन की। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई, जासूसी कांड पर भी चर्चा नहीं करवाई। सरकार विपक्ष की आवाज लगातार दबा रही है। देश की 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई, जनता की आवाज का अपमान हुआ है। हम किसानों के मुद्दे संसद के अंदर नहीं उठा सके, इसके लिए बाहर आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। वहीं मार्च में शामिल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मार्शल्स की ड्रेस में बाहर से प्राइवेट लोगों ने कल जो महिला सदस्यों के साथ किया उससे लगा जैसे मार्शल लॉ लगा हो, मुझे लगा मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा हूँ। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार इस देश को तानाशाही से चला रही है, ये देश की तासीर के खिलाफ है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, इस तरह के कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। हालांकि इस वीडियो को लेकर आज एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है जानबूझकर संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मॉनसून सत्र में संसद में जो कुछ हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने खुद भी सदन में ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की संसद और उसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव और तीव्र विरोध देखे हैं, लेकिन संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बयान सामने आया, हालांकि यह बयान के ट्विटर के माध्यम से सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपने संसदीय कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि कल संसद में एक अलग ही तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर हंगामा पुरजोर हो रहा था। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उसी वीडियो को लेकर लगातार सरकार विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष झूठा वीडियो दिखाकर लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विपक्ष पूरी तरह से नाटक कर रहा है, विपक्ष का यह नाटक अब उजागर हो चुका है। विपक्ष की मंशा सदन की गरिमा गिराने की हमेशा से रही है, और इसी वजह से वो लगातार काम नहीं करने दे रही सदन में। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना काल को लेकर और कोरोना को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतने सप्ताह जब से मॉनसून सत्र हुआ है तब से एक बार भी विपक्ष ने ये कोशिश नहीं की कि कोरोना पर चर्चा हो जाए संसद में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जा रहा है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान दिया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि उन्होंने सालों बिता दिए हैं राजनीति में, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी टिप्पणियां देखी हैं, लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है संसद में। प्रतापगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के विधानसभा क्षेत्र के पट्टी कोतवाली इलाके में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते पट्टी कोतवाली थाने का सरकारी मोहल्ला और तहसीलदार का आवास जलमग्न हो गया है। वहीं जल जमाव के कारण ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। तो बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति हो गई है। सरकारी आवास पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी बारिश की वजह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो आने जाने में खासा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। घरों के अंदर, कार्यालयों के अंदर पानी घुस गया है, इसकी वजह से समय पर लोग ना तो अपने ऑफिस पहुंच पा रहे हैं, ना ही अपने जरूरी काम कर पा रहे हैं। लोगों को इस गहरे पानी में निकलकर होना पड़ रहा है। कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र में सेतु निगम के निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही में
आए दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को निर्माण कार्य के चलते वाहन निकालने में परेशानी हो रही है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को होने के बाद भी इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं वाहन निकालने को लेकर ट्रक चालक और बाइक सवार में जबरदस्त विवाद हो गया। विवाद में बाइक सवार दो युवकों ने ट्रक चालक को जमकर पीट दिया। आपको बताते चलें कि ये पूरा कारनामा रूरा थाने से 100 मीटर की दूरी पर चलता रहा और कोई पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि कस्बे में 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी की तैनाती के निर्देश हैं। तो वाहन चालकों के बीच जमकर मारपिटाई होती रही, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जब ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई तो किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो रहा है। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों के बीच मारपिटाई हुई है, वाहन टकराने को लेकर जबरदस्त मारपिटाई देखी गई। कानपुर देहात में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते दो दिन पहले दबंगों ने लोहे की रॉड से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वह इलाज के दौरान घायल युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चार नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश दे रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने एहतियातन गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला किया गया, इसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के बाहर शव को रख के जमकर बवाल किया है और थाने का घेराव भी किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया है। हालांकि तनाव ज्यादा था, जिसकी वजह से आसपास की पुलिस बल यहां पर लगानी पड़ी। हमारे भाई का मर्डर हुआ है। क्या नाम था जिस लड़के मर्डर हुआ है? पूरा सैनी। किन लोगों ने किया है मर्डर? दीक्षित पंडित। क्या लोग थे उसमें? चार लोग। क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम है सुशंकर दीक्षित और उनकी तीनों बेटियों का नाम है रजनीश दीक्षित, कमलेश दीक्षित और अखिलेश दीक्षित। थाना सिवली के खलकपुर गांव में परसों एक 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें मौके पर उसके सर में चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। कानपुर में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान दूसरे दिन इसकी डेथ हुई थी। इसमें चार नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें दो की गिरफ्तारी कर ली गई है और दो अभी फरार हैं, विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कार्रवाई की। कासगंज के गंज डुडवारा के रेलवे लाइन के पास बाग में पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों के मुताबिक मृतक कल शाम से घर से गायब था। परिजनों ने बताया कि काफी तलाश के बाद भी देर रात तक मृतक का कोई सुराग नहीं लग पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पेड़ से युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सबकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि कल देर शाम से युवक लापता था और काफी कोशिश की गई, लेकिन युवक नहीं मिल पाया और सुबह ही राहगीरों ने पेड़ से लटका युवक का शव देखा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा बयान परिवार की तरफ से नहीं दिया गया जिससे आत्महत्या की गई हो। मामला तो कुछ नहीं था, सुबह को इन्होंने खाना खाया, दोपहर में ये मक्का बेचने गई, शाम को दवा दिलाने गई, उसके बाद ये चले गए थे पुल पर, पुल से आए साइकिल उठा के ये सीधे लापता हो गई। सीतापुर में जमीनी विवाद में सुनवाई न होने के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की। आपको बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने बुजुर्ग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वहीं बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से लेकर उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी तक प्रार्थना पत्र दिया, उसके बावजूद अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते परेशान होकर बुजुर्ग ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। दबंगों से परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की है। आपको बता दें कि बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर लगातार वो शिकायत कर चुका है मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारियों तक
वो पत्र पहुंचा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे तंग आकर उसने कलेक्ट्रेट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने बुजुर्ग को सकुशल बचा लिया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग का आरोप है कि कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वाराणसी में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और वरना पलच प्रवाह के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.01 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी लगातार हो रही है। काशी में गंगा की धारा तबाही मचाने की राह पर निकल पड़ी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे करीब 72.02 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके बाद गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी था। दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 72.06, 3 बजे 72.09 और शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 72.12 मीटर तक पहुंच गया। यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिर्जापुर जिले में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बुधवार को बाढ़ क्षेत्रों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। मंगलवार को गंगा का जलस्तर जहां खतरे के निशान के ऊपर बह रहा था, वहीं बुधवार की तेज बारिश से ये खतरे का निशान और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सैनिक पति की मौत के बाद पत्नी ने भी जान दे दी। मायके में रह रही पत्नी का शव आज सुबह साड़ी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद जांच में जुट गई है। कोतवाली देहात के गांव बरौजा निवासी सैनिक अरविंद चौहान सेना में जवान थे। वर्तमान में वो कश्मीर में तैनात थे। 6 अगस्त को उनका शव सेना के शिविर में लटका मिला था। बताया गया था कि अरविंद की पत्नी आरती से अनबन चल रही थी, इसी के चलते खुदकुशी कर ली। पति की मौत के 6 दिन बाद पत्नी आरती ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद और आरती की शादी 29 जनवरी 2019 में हुई थी। बीते कुछ महीनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी, इससे आरती अपने मायके में रह रही थी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। तो पति की मौत के बाद पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली है। फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। बताया जा रहा है कि दोनों में कुछ अनबन चल रही थी, इसके बाद पहले सैनिक ने यह कदम उठाया, उसके बाद उसकी पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। बस्ती के गोटवा बाजार नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित काठिया के पास कार से झारखंड जा रही एक परिवार के 5 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर और फुटिया पुलिस ने किसी तरह कार से 5 शवों को बाहर निकाला। घटना में एक बच्ची और कार चालक बचे हैं, जिनकी हालत गंभीर है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दी है। यह हादसा कितना भयावह था, इस बात का अंदाजा कार की हालत से ही लगाया जा सकता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड निवासी अब्दुल अजीज अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहकर जमीन के प्लॉटिंग का काम करते थे। बुधवार की रात वे अपने परिवार के साथ कार से झारखंड जा रहे थे। वो थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कटिया के पास पहुंचे ही थे कि सड़क किनारे खड़ी कंटेनर के पीछे कार जा घुसी। हादसे में 5ों की मौत हो गई है। 2 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें एक बच्ची है और कार चालक है। फिलहाल उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। शासन ने देर रात आधा दर्जन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें 4 डीजी रैंक और 2 एडीजी रैंक के अफसर शामिल हैं। मानव अधिकार में डीजी गोपाल लाल मीना को सीबीसीआईडी का डीजी बनाया गया है। वहीं विश्वजीत महापात्रा के हटाए जाने के बाद से सीबीसीआईडी के डीजी का काम विजिलेंस के डीजी पीवी रावा शास्त्री देख रहे थे। डीजी जेल आनंद कुमार को फायर सर्विस का डीजी बनाया गया, साथ ही उन्हें जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभारी सौंपा गया है। ओडब्ल्यू के डीजी राजेंद्र पाल सिंह को प्रशिक्षण निदेशालय का डीजी बनाया गया। प्रशिक्षण निदेशालय के डीजी सुजान वीर सिंह 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। राजेंद्र पाल सिंह उसके बाद डीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा से फायर सर्विस का चार्ज ले लिया गया
और ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। एडीजी स्तर के जिन दो अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें भर्ती बोर्ड के एडीजी रेणुका मिश्रा को एसआईटी का एडीजी और सीबीसीआईडी में एडीजी आरके स्वर्णकार को भर्ती बोर्ड में एडीजी बनाया गया है। तो तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चलती हुई नजर आई है। कई अधिकारी तबादले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन वरिष्ठ आईपीएस हैं जिनके तबादले किए गए हैं और आने वाले समय में ये तबादले दोबारा हो सकते हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के कुआंतला गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के चलते पुलिस के सामने ही प्रधान ने लाशें बिछाने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रधान और पूर्व प्रधान में जमीन को लेकर विवाद हो गया। प्रधान ने लाशें बिछाने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीरज के मवाना क्षेत्र में 3 दिन पहले दो पक्षों के बीच बच्चों की कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। विवाद के दौरान 3 लोगों को मुकदमे में फर्जी नामजद किया गया। वहीं फर्जी नामजदगी के खिलाफ बिरादरी के लोगों ने हंगामा किया और धरना देकर बैठ गए। वहीं हंगामा करने वालों ने हिंदू संगठन पदाधिकारियों पर भी अभद्रता और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। पीड़ित परिवारों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर फर्जी मुकदमे में नामजद आरोपियों को लेकर जो परिवार है आसपास के लोगों के साथ धर्म परिवर्तन की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। तो दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर हंगामा हो गया, जिसके बाद धर्म परिवर्तन की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में तालाब में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। जेसीबी के माध्यम से शव को बाहर निकाला गया है। दरअसल राहगीरों ने तालाब में तैरता हुआ ये शव देखा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी थी। आए दिन नगर पालिका की पोल खुलने की खबरें सामने आती रहती है। वहीं एक और मामला प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां पर 6 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। जी हां, बारिश के कारण नाले और नदियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिससे पानी निकासी न होने के कारण गंदे पानी का जमाव भी लगातार हो रहा है। इसके साथ ही बारिश में बारिकल कॉलेज भी तालाब में तब्दील हो गया। शहर में नाले की साफ सफाई न होने से शहर की हालत खराब है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिले के प्रशासनिक अफसर दोषी लोगों को दंडित करेंगे? क्या नाले और नालियों की सफाई करवाकर शहर को दुर्व्यवस्था से निजात मिल पाएगी? फिलहाल अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो प्रतापगढ़ का एक पूरा मामला है जहां पर कुछ ही घंटों की बारिश में नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आई है। नगर पालिका पूरी तरह से तमाशबीन बनी हुई है। अस्पतालों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के साथ नहीं आ पा रहे हैं और न ही मरीजों की देखरेख हो पा रही है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही वॉल्वो बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वही घटना से बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत लालगंज सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वही घटना में घायल 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। संभल की बदायूं मेरठ मार्ग पर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में यातायात के नियमों का उल्लंघन एक परिवार पर भारी पड़ गया। बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 2 मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, बाइक पर 2 बकरी के बच्चे भी सवार थे, उनमें से एक बकरी के बच्चे की मौत हो गई है। भीषण हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। वही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से परिवार समेत गांव में कोहराम मच गया। जिसने भी यह हादसा देखा वो सन्न रह गया। वहीं पुलिस ने बलेरो को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में बाइक और बलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। संभल के गुंदौर का एक पूरा मामला। सुल्तानपुर शहर में बीते कई दिनों से चोरी की कई वारदातों ने सुल्तानपुर पुलिस की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही चोरियों से परेशान पुलिस अधीक्षक ने क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को खुलासे के लिए लगाया था। बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर चोर मोबाइल फोन बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल के साथ ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर एक चोर अविल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 2 साथी जावेद और तैफुल मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस के माने तो ये तीनों चोर नगर कोतवाली के हीरवा मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके पास से चोरी के 2 मोबाइल और 5,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही आदिल की निशानदेही पर 18 और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। बरामद हुए मोबाइल में से 11 सही हैं, बाकी 9 मोबाइल क्षतिग्रस्त हैं। फिलहाल आदिल को जेल भेजने के साथ साथ पुलिस उसके दोनों साथियों की तलाश में जुटी हुई है। आज ये अभियुक्त पकड़ा गया। ये 3 क्राइम में यहाँ पे वांटेड था थाना कोतवाली नगर से। इसका नाम आदिल है, सनाफ इब्रार अहमद जो डिहुआ का रहने वाला है। ये लुटेरा है और इस पर अपराध लूट और चोरी के बहुत ही मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। ये वर्तमान में वांटेड चल रहा था तो कोतवाली नगर की टीम और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने इसको मिल के इसका गिरफ्तारी की है आज। और इससे जो बरामद हुआ है वो करीब 11 मोबाइल जो है चालू हालत के हैं और 9 जो है टूटे हुए हैं मोबाइल। ये लगभग 20 पूरे मोबाइल इससे बरामद हुए हैं। अच्छा अपराधी है और इसके जो साथी हैं उनकी बरामद की गिरफ्तारी के लिए और प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा वर्णा में आई बाढ़ के बाद जिले के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इसे देखते हुए कई इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं। बावजूद इसके बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफी संख्या में लोग अब भी अपने अपने घरों में ही रुके हुए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। वही प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने, वाराणसी पुलिस कमीशन सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गंगा और वरुणा के तटीय बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 2 दिन पहले भी राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने एनडीआरएफ की टीम के साथ गंगा और वरुणा तटीय बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी दौरा किया था। इस दौरान एनडीआरएफ बोट पर सवार होकर राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अधिकारियों के साथ मिलकर कई इलाकों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों और बाढ़ की ड्यूटी में लगाए गए जिले के अफसरों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।